हेयर ट्रांसप्लांट के पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट प्लान्ड है तो उसके 2 हफ्ते पहले अगर आप किसी भी फॉर्म में कोई मल्टीविटामिन सप्लीमेंट या विटामिन ई या कोई और मेडिसिन या कोई हर्बल ट्रीटमेंट या ग्रीन टी इन तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं तो इन सब चीज़ों को आप 2 हफ्ते पहले रोक दें। 2 हफ्ते पहले आप अगर अपने बालों में कोई मिनोक्सिडिल या कोई बालों को बढ़ाने वाली स्प्रे या ऑयल का यूज़ करते हैं तो उन सब चीज़ों को भी आप 2 हफ्ते पहले रोक दें। प्रोसीजर के 1 हफ्ते पहले आपको किसी भी फॉर्म में अल्कोहल और स्मोकिंग रोकना है, क्योंकि इनकी वजह से प्रोसीजर में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और आपका सर्जरी का रिजल्ट भी कॉम्प्रोमाइज होता है। अगर आप आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से किसी भी फॉर्म में ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा, थायराइड इस तरह की कोई अगर मेडिसिन लेते हैं तो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ना भूले और उनकी सलाह के हिसाब से आप अपनी मेडिसिन कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आप किसी फॉर्म में ब्लड थिनर्स जैसे कि इकोस्प्रिन, क्लोपिड इस तरह की टैबलेट्स ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ना भूलें। अगर आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी है या पहले कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो उसे भी आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके बाल सफ़ेद हैं और आप हेयर डाई करते हैं तो अपने बालों को प्रोसीजर के 3 से 5 दिन पहले कलर या हेयर डाई करना ना भूलें। प्रोसीजर के पहले अपने बालों को बहुत छोटा ना कटवाएं, उनको 1 से 2 इंच लंबा रखने से प्रोसीजर में काफ़ी आसानी रहेगी। प्रोसीजर के 1 दिन पहले आपके डॉक्टर ने सजेस्ट की हुई मेडिसिन ना लेना ना भूलें और अपने बालों को अच्छे से शैम्पू करना ना भूलें। जिस दिन आप प्रोसीजर के लिए आ रहे हैं उस दिन कोई भी ज्वेलरी या महंगे ऑर्नामेंट्स अपने साथ कैरी ना करें और जब आप क्लिनिक आए उस समय काफ़ी लूज और कंफर्टेबल कपड़े पहन के आए और जो फ्रंट ओपनिंग वाले शर्ट है वो सबसे बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको पोस्ट प्रोसीजर उनको चेंज करने में मुश्किल नहीं होगी। प्रोसीजर के बाद इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति आपको क्लिनिक से घर ले जाने में आपकी मदद करे। इन सब चीज़ों का अगर आप प्रोसीजर के पहले ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रोसीजर काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। थैंक यू।